दुर्ग के क्षेत्रीय मुद्दों एवं समस्याओं व अपनी 5 मांगों को लेकर भाजयुमो ने निगम का घेराव किया, तो वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाया। दुर्ग भारतीय जनता पार्टी और युवा भाजयुमो के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दुर्ग भाजयुमो के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के मार्गदर्शन और हिमांशु सिंह के नेतृत्व में बुधवार को बड़ी संख्या में शहर की व्याप्त समस्याओं और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर दुर्ग नगर निगम का घेराव किया। साथ ही जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। शहर में जल अमृत मिशन का जो काम चालू हुआ था केंद्र से, लेकिन ये सरकार करना था, यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार घूसखोरी भरा हुआ है। ये हमारा महापौर नहीं है, ये अरुण बोरा का महापौर है। इसको अगर छूट दे दिया जाए तो ये अच्छा काम करे, लेकिन अरुण बोरा पहले अपने घर का काम कराते उसके बाद निगम का काम कराते, तो ऐसे में जनता तो बहुत परेशान है। इनको अब जनता जवाब देगी इस बार के चुनाव में, हम जवाब नहीं देंगे, जनता देख रही है। इन समस्या को लेकर आज हम लोगों ने आंदोलन किया है। ये उग्र बाकलीवाल जी ने लगातार वादा करके हम लोगों के साथ हम लोगों को गुमराह करने का उन्होंने काम किया। पूर्व में भी हम लोगों ने बहुत सारे विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उनमें से भी एक भी मांग हम लोगों की पूरी नहीं हुई है। इसलिए आज युवा आहत होकर सड़क की लड़ाई लड़ने में मजबूर हुआ है, और विगत 4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रही है, और ये जो अंधी बहरी सरकार है, ये जो यहाँ पर कुर्सी में बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता की दलाली कर रहे हैं, उन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम युवा मोर्चा करेगी और आने वाले चुनाव में युवा करेंगे। जनता युवा मोर्चा सड़क के मुद्दे को लेकर आज मैदान पर उतरी है, आज निगम घेराव करने आए। जो एक 15 दिन हुआ था सड़क को बने सनीसी बाजार में, वो सड़क एक बरसात में उतर बह गई, और यहाँ जो गौरव पथ में जो पेड़ लगाया गया था, वो पेड़ का स्थापन कहाँ किए, जब पेड़ कटाई हुआ तो कहाँ रखा गया, पेड़ को कहाँ लगाया गया, उसके मांग को लेकर। और जितने भी कैमरा लगे हैं CCTV, वो सब कैमरा बंद पड़े हैं, जिससे अपराध हो रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कौन अपराधी है। ये सब बहुत सारे मुद्दे को लेकर हम निगम प्रशासन के पास आए, और महापौर जी आ नहीं रहे हैं, भगे फिर रहे हैं, उनको सवाल का जवाब देना चाहिए, आना चाहिए, तो ज्ञापन लेने नहीं आ रहे महापौर जी। हम युवा मोर्चा इसका विरोध करते हैं। अगर आगे भी सड़क की समस्या ढूंढनी होगी, CCTV अच्छे से नहीं लगेगा, तो हम लोग और आगे उग्र आंदोलन करेंगे। तो वहीं दुर्ग पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में बल लगाकर इस घेराव को निष्क्रिय बनाने अपनी जुगत लगाई गई। इस मौके पर प्रदर्शन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पहले लगे बैरिकेड को लांग कर निगम के मुख्य द्वार तक पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। तो वहीं दुर्ग पुलिस द्वारा बेहतर अंदाज से लगाए बैरिकेड्स को भाजयुमो कार्यकर्ता पार नहीं कर पाए। जी, हमें सूचना मिली थी कल कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नगर निगम पालिका निगम दुर्ग के आगे धरना प्रदर्शन वगैरह करने की उनकी जो है वो तैयारी थी, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर्याप्त मात्रा में बल एवं बैरिकेड जो है वो लगाए गए थे, ताकि कोई भी अनिच्छनीय घटना ना हो। यहाँ पर आकर उन्होंने नारेबाजी की और पुलिस को ये बताया था कि उनकी कुछ मांगे हैं जो वो महापौर जी और कमिश्नर साहब को देना चाहते हैं। महापौर जी और कमिश्नर साहब ने उनकी मांगों को सुना और उन पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, और शांतिपूर्ण तरीके से भाजयुमो के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से विसर्जित। जी नहीं, ऐसा कोई यहाँ पर जो है वो हुआ नहीं है, और जो भी होगा उसमें जांच और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रदर्शन को लेकर भाजयुमो द्वारा महापौर के नाम सौंपे ज्ञापन को मजाकिया अंदाज में महापौर धीरज बाकलीवाल ने बिना पार्टी के बैनर लगे सौंपना बताया। साथ ही पलटवार करते हुए कहा कि क्या शहर में बस 5 ही समस्या है, और जो मांग इन्होंने की है ये सब भाजपा के कार्यकाल में गलत अमृत मिशन के DPR गलत बनाने का आरोप भी लगा डाला। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, शहर में पानी की समस्या उत्पन्न पूर्व परिषद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। शहर की जनता के द्वारा उन्हें 20 साल दुर्ग शहर की जनता में का नेतृत्व करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने अमृत मिशन का DPR तक गलत बनाया। कितनी पाइपलाइन बिछाना है, कितने किलोमीटर पाइपलाइन बिछाना है, उन्होंने वो भी गलत बनाया। कितने कनेक्शन घरों में देना है, उन्होंने वो भी गलत बनाया। अभी जब से हमारी परिषद आई है, लगातार शहर की जनता को साफ पेयजल और पर्याप्त पेयजल मिले, उसके लेकर हम लोगों की लगातार व्यवस्था जारी है। अभी 4 पंप हम लोगों द्वारा लिया गया है, जिसकी असेंबलिंग अभी ये जुलाई अगस्त में हो जाएगी। साथ ही हम लोगों के द्वारा नया पाइपलाइन कनेक्शन को लेके भी शासन से स्वीकृति के लिए, जो लगभग स्वीकृति की ओर है, पाइपलाइन विस्तारीकरण को लेके भी हम लोगों ने भेजा है, वो भी स्वीकृति की ओर है। कहने का मतलब यह है कि आने वाले 1-1.5-2 महीने में दुर्ग शहर से पानी की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी।
ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।